अमानक धान का उठाव करने का दबाव बनाने से नाराज गोबरा नवापारा क्षेत्र के राइस मिलर आज दोपहर अभनपुर के धान संग्रहण केंद्र जौधा भाटा पहुंच गए। मिलरों के दबाव बनाने वाले केंद्र प्रभारी को प्रशासन के निर्देश का हवाला देते हुए अमानक धान लेने का दबाव नहीं हटाने तक धान का उठाव नहीं करने की दो टूक बात कहते हुए उठाव बंद कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा मिलरों के साथ अनुबंध कर जौधा भाटा केंद्र में जमा सरकारी धान की मिलिंग करवाई जा रही है। मिलर इसके लिए केंद्र से धान का उठाव कर रहे हैं, लेकिन आज अचानक केंद्र प्रभारी केआर नायक ने मिलरों को धान उठाव करते समय गिरे अमानक पाला धान के भी उठाव करने का निर्देश जारी कर दिया, जिससे मिलर नाराज हो गए। मिलर विरोध जताने केंद्र पहुंच गए और प्रशासन के आदेश का हवाला दिया, जिसमें मिलरों को अमानक दिखने पर धान की छटनी कर बेहतर धान का उठाव करने संबंधी छूट प्रशासन द्वारा दी गई है। लेकिन काफ़ी वार्तालाप के बाद भी नायक नहीं माने। इसके बाद मिलर दो टूक बात कहते हुए लौट आए। मिलरों ने बताया कि अमानक धान लेने पर मिलर उस क्वालिटी का चावल नहीं बना पाएंगे जिसे प्रशासन स्वीकार करती है। ऐसे में घाटा मिलरों को ही उठाना पड़ेगा। ऐसे में मिलर के समक्ष आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, जिसमें मिलर काम नहीं कर सकते। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकारी धान की आड़ में विभागीय स्तर पर शासन को अंधेरे में रख जबरदस्त तरीके से बंडरबांट किया जा रहा है। जौधा भाटा में बलौदाबाजार जिले के खराब धान को भी चुपके से संग्रहित करवाया गया है। इससे शासन को लंबी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो लगेगा ही, साथ ही साथ जौधा भाटा के धान का मिलिंग करने के लिए अधिकृत गोबरा नवापारा अभनपुर और आरंग क्षेत्र के मिलरों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बताया जाता है कि अगर शासन उच्च स्तर पर इस खेल की जांच करवाए तो करोड़ों रुपए का गड़बड़ झाला सामने आ सकता है। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। से काम करोगे कि डीएमओ के हिसाब से काम करती है? एक लाइन छांट के नहीं, आप एक लाइन सिर्फ बोलो। पाला दोगे आप? पाला कौन उठाएगा? पाला तो गया, छाट कहीं दोगे, पाला दोगे, है ना? व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।